हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर्स टैलेंट। सत श्री अकाल, मैं हूं पिंकी और आज मैं आपको रेसिपी दिखा रही हूं। बहुत ही टेस्टी 5 मिनट में बनने वाली और हेल्दी रेसिपी है ये वेज फ्रेंच टोस्ट। इसके लिए आपको सिर्फ 2 ब्रेड चाहिए और अपनी पसंद का फ्रूट्स चाहिए और ज़्यादा कुछ चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती है, 4-5 चीज़ें ही इस्तेमाल होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो गाइस, इसमें बहुत ही बेसिक और सिंपल इन्ग्रीडियंट्स जाते हैं। हम लोग वेज टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे, ठीक है। अंडा यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले ली है और 1 सर्विंग में आप 2 स्लाइस ले सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हो तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। मैं सिर्फ 1 सर्विंग बना रही हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल सैंडविच ब्रेड है ये 2 स्लाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ अमूल बटर। यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 चम्मच दूध है। आप यहाँ पे कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क इस्तेमाल किया है, लेकिन आप यहाँ पे कैशू, आलमंड या फिर ओट मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्रूट लिया है। मेरे पास यहाँ पे एक रेड बनाना है और एक स्मॉल साइज एप्पल है, जिसको हम लोग अच्छे से चॉप कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना गाइस, अगर आप डेयरी मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपको फ्रूट्स वही लेने हैं जो आप दूध के साथ खाए जाते हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चीकू आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो सिट्रिक फ्रूट है, यानी कि ऑरेंजेस एंड वाटरमेलन, ये सब आप दूध के साथ नहीं ले सकते हो, तो उस बात का आप ध्यान रखें। अगर यहाँ पे आप आलमंड मिल्क या फिर ओट मिल्क ले रहे हो, तो फिर आप कोई भी अपने चॉइस का फ्रूट ले सकते हो। तो इसको हम लोग अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं। दूध में चीनी नहीं डालना है गाइस, ये उबला हुआ दूध नहीं है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। और मेन इंग्रेडिएंट है हमारा दालचीनी। दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं इसको कुक करने की तरफ। मिल्क का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें गाइस, वरना आपकी जो ब्रेड है ना, वो बहुत ही सौगी सौगी हो जाएगी और आपकी तवे पे जो ब्रेड है वो बिखर जाएगी टूट के। तो मिल्क का आप कम ही इस्तेमाल करें। यहाँ एक तवा ले लेंगे, बटर ऐड करके हम लोग ब्रेड को है दोनों साइड अच्छे से भुन लेंगे, यानी कि क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। और हल्का सा यहाँ पे मैं दोनों साइड सिनेमन यानी कि दालचीनी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल नहीं है, ये पड़ता ही है फ्रेंच टोस्ट आप बना रहे हो तो। और उसके बाद यहाँ पे मैं दूध ऐड कर दूंगी। आपका ब्रेड जब हल्का सा रोस्ट हो जाए उसके बाद दूध ऐड करना, वरना आपका जो ब्रेड है ना, वो तवे पे ही एकदम सौगी सौगी हो जाएगा और टूटने लगेगा। तो दूध ऐड करने के बाद आपको सिर्फ 1 मिनट तक कुक करना है। फ्लेम को बंद कर दीजिए, आप दोनों तरफ से पलट के सेक लीजिए और आप प्लेट में निकाल। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा ब्रेड तैयार है। ब्रेड को आप कितना क्रिस्पी करना चाहते हो ना, ये आपके ऊपर है। दूध डालने के बाद वो ज़्यादा तो क्रिस्पी नहीं होगी, लेकिन अगर आप बटर का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो क्रिस्प थोड़ा सा आ जाएगा। हम लोग इसको सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। मेरा ब्रेड बिल्कुल नहीं टूटा है, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने मिल्क का एकदम परफेक्ट इस्तेमाल किया है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्रेड, उसके ऊपर हम लोग ले लेंगे हमारे फ्रूट्स। आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं इस्तेमाल करूँगी, मैं सिर्फ फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब रखेंगे यहाँ पे एप्पल्स। देखो गाइस, सिंपल है, अपने पसंद के फ्रूट्स आप फैला दो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 स्पून ऑफ हनी ले लिया है। इसको आप अच्छे से ऊपर से ड्रिजल कर लो, बहुत ही यम्मी लगता है गाइस, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे तो ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको म्यूसली से भी गार्निश कर देती हूँ। दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने योलो रूट्स का म्यूसली इस्तेमाल किया है, इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। इसमें है 93% ऑफ नट्स प्लस सीड्स, बेरीज एंड रोल्डोज। बहुत ही बढ़िया वाला म्यूसली है, आप देख सकते हो इसमें कितने सारे नट्स एंड सीड्स है। आपको इसमें 5 डिफरेंट टाइप्स के सीड्स मिल जाएंगे, नट्स भी मिल जाएंगे। आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे इसका रिव्यू देख सकते हो। और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारा वेज फ्रेंच टोस्ट तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।